ये था सारा थ्योरी पार्ट. नाउ लेट अस सॉल्व समथिंग. जो सॉल्व सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी, विल सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि टफ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो पहला इलस्ट्रेशन बल्कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3. ठीक है, देखो थर्ड एग्जांपल में क्या बताया गया है कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू एक्स प्लस एस रेस टू पावर 1/4. ठीक है, ये पूरा माइनस एक्स, तो मैं इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो मुझे अब इस क्वेश्चन में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये टर्म है और अगर मैं इसमें इन्फिनिटी डालता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है. ठीक है, तो एज यू नो हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म को सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, तो हम करते क्या थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में, उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे. और यहाँ पर देख रहा है सर्ड है, मतलब 1/4 से पावर है, एक ही चीज़ दिख रही है, रेशनलाइज करना. रेशनलाइजिंग को अभी आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं कि मैं इस पूरी टर्म को, ये जो ये वाली टर्म है, मैं इसको वाई मान लेता हूँ. तो ये आसान हो जाएगा लिखना मुझे, 1/4 माइनस एक्स. ठीक है, अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं. ठीक है, ये हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली मैं इसको एक बार और रेशनलाइज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वाई 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाई रह जाएगा और ये एक्स फोर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया भी क्यों करा और x रेस पर 4 तक सॉल्व क्यों करा है, क्योंकि ये देखो ये चार टर्म्स थी, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू एक्स प्लस एस. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज टर्म्स आई विल गेट अ फैक्टर x रेस पर 4 और यहां पर भी मुझे x रेस पर 4 मिल गया. ठीक है ना, वो ऊपर से कैसे देख सकते थे, क्वेश्चन देखते ही यहाँ 1/4 पावर थी, यहाँ अंदर आ रही थी x रेस पर 4 x माइनस एक्स, तभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म कहा था मैंने. वैसे तो जब भी इन्फिनिटी होता, पर ये x माइनस एक्स वाली फॉर्म बन रही है बेसिकली. अब मैं अगर इसमें डालता हूँ x करता हूँ तो मुझे पता है कि x रेस पर 4 वाली टर्म इसमें कैंसिल हो जाएगी. ठीक है ना, तो अब आगे इसको कैसे करेंगे, देखो तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब देखो यहां से अगर मैं देखता हूं यहां x, तो y क्या मेरी आती है वैल्यू, देखो x रेस टू पावर 4. ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर इंटू एक्स क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे कर करके टर्म आएगी. ठीक है, और नीचे वाली टर्म क्या रहेगी मेरी, अब मैं ये वाई हटा देता हूँ, अभी अंडर रूट में ही हो जाएगा, 4 टाइम्स एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू. ठीक है, मैं एक को सॉल्व करके दिखाता हूँ, दूसरे वाला आप खुद सॉल्व कर लेना ये वाला पार्ट. ठीक है, तो ये देखो x4 जो था यहाँ माइनस x4 भी होगा, ये जो रह गया तो x4 से x4 तो कैंसिल, सो हाईएस्ट कोफिशियंट क्या बनेगा मेरे पास, एक्स क्यूब. तो x क्यूब से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं तो क्या बात बनेगी, हाँ बनेगी. क्यों, देखो इस वाले को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं और x वाले को मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, y रेस टू पावर 1/4 बाय x प्लस 1. ठीक है, और ये वाली टर्म बन जाएगी y अंडर रूट y बाय x स्क्वायर प्लस. ठीक है ना, अब ये देखो ये वाली को सॉल्व करता हूँ, इस वाली को आप पैकेज से देख के या खुद ट्राई करना. अगर मैं इसमें x अंदर लेके जाता हूँ तो क्या मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको x रेस टू पावर 4 करना पड़ेगा अंदर, ये हुआ और x रेस टू पावर 4 और ये मेरा क्या बन चुका है 1. ठीक है ना, अब मैं हर एक x को अंदर ले आता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस पी बाय एक्स, 1 प्लस क्यू बाय एक्स एंड सो ऑन. और यू नो कि x जो है इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/x क्या हो जाता है 0, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज ये बिकम 0. आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 इनटू 1 और फोर्थ पावर उसकी 1/4 पावर भी 1 होगी, तो सारे ये ब्रैकेट्स क्या बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा 2,
सिमिलरली आप इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला तो हमने सॉल्व कर ही लिया था कि एक्स क्यूब से अगर डिवाइड करते हैं तो सिर्फ क्या टर्म बचेगी मेरे पास, ये सारी टर्म हट जाएंगी, एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट था वो बच जाएगा सिर्फ पी प्लस क्यू प्लस आर, और नीचे का जो हमारा टर्म आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 व्हिच सेज लिमिट इन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी ए रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल वेयर ए बिलोंग्स टू ऑल रियल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इफ यू से ऑफ दिस पैकेज। क्यों? देखो जनरली क्या होता है, इसको लोग देखते ही जनरली क्या करते हैं, जीरो या फिर कहते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। जो लोग जीरो कहते हैं एटलीस्ट दे आर थिंकिंग ऑन समथिंग राइट, बट दे हैव नॉट सॉल्व इट फुली, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो डिपेंड करता है यहाँ पर, अब सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात या जो सबसे ट्रिक है यहाँ पर, द ट्रिक इज दैट ए रेज टू पावर एन की जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। सो जैसे जैसे ए वेरी करेगा वैसे ही ए रेज टू पावर एन वेरी करेगा, और ए रेज टू पावर एन कैसे वेरी कर सकता है, तीन तरीके से। या तो ए जो है आपका ग्रेटर देन वन है, ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा ए रेज टू पावर एन। अगर आपका ए बिटवीन माइनस वन से वन है, देखो मैं यहां लिखता हुआ जाता हूँ, ये करेगा इन्फिनिटी अप्रोच ए रेज टू पावर एन, ठीक है, यहां पर करेगा जीरो अप्रोच, और अगर ए लेस देन माइनस वन है तो क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी अप्रोच, ठीक है। तो यू कैन सी कि ए की वैल्यू के डिपेंडेंट यू हैव गॉटिंग थ्री केसेस, ठीक है, यू आर गेटिंग थ्री केसेस ओवर हियर, ये तीन केसेस बने। अब इन्हीं तीन केसेस के लिए हम सॉल्व करते हैं। पहला केस लेता हूं, केस वन व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब अगर ए ग्रेटर देन वन है तो कोई एक k के बराबर होगा, मैं मान लेता हूं a is such such that it is between a integer k, ठीक है। तो मैं एक इसको ऐसे लिख सकता हूं जहां पर k जो है एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, तो a एक नंबर हो गया कोई भी। सो a n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल कैसे लूंगा, 1 इंटू 2 3, मैं पीछे से शुरू कर रहा हूं, n फैक्टोरियल क्या होता है, n into n minus 1 into n minus 2 up till 1 जाता है, तो 1 से पहले 2 आया था 3 आया था, तो मैं उसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, ऐसे कर करके कहां तक, a raise to power k तक लिखा यहां, ठीक है। ये वैसे डायरेक्टली आप कह सकते हो कि ऑब्वियसली जिनको समझ में आ रहा है रीजन कि ये जीरो क्यों होगा, देन इट इज फाइन, अदरवाइज जिनको समझ में नहीं आए उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहां तक करा, जो इसके आगे वाला पार्ट है मैंने उसे आगे ब्रेक कर दिया, a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ऐसे चलता रहेगा a रेज टू पावर n से लेकर n तक। अब ये देखो a जो है वॉज ग्रेटर देन k बट स्मॉलर देन k प्लस 1, तो जो ये सारी टर्म है k प्लस 1 वाली, ये सारी क्यों नहीं शुरू हो जाएंगी, ये जीरो, और अगर ये फाइनाइट भी है तो ये फाइनाइट इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो ओनली। ये समझ में आया ना, ये जीरो क्यों होगा, आप न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, अभी तो सिर्फ ये छोटी k प्लस वन तक ही पहुंचा है, पर ये सोचो आगे चलते चलते ऐसे ये जो a आएगा यहाँ, सॉरी a रेज़ पावर n, जो आखिरी a आएगा वो तो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा ना n से, तो दैट विल टेंड टू जीरो, तो जीरो और ये फाइनाइट नंबर आ रहा है तो फाइनाइट इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना था केस वन, अब लेते हैं केस टू। केस टू क्या कहता है, व्हेन ए इज बिटवीन माइनस वन टू वन, तो ये तो हमें क्लियरली सॉल्व हो गया, ए रेज़ टू पावर एन कहां टेंड करेगा, जीरो, और एन फैक्टोरियल क्या है, चल रहा है नीचे इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर अप्रोचिंग जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये तो जीरो आ गई ये वाली फिगर। तो तीसरा केस, व्हेन ए इज लेस देन माइनस वन, ऑलराइट, तीसरा केस यही बचा। अब मैं ए अगर लेस देन माइनस वन है तो मैं ए को सपोज कर लेता हूं ए इक्वल टू माइनस बी, तो ए रेस टू पार एन क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय एन, और माइनस बी रेस टू पार एन, विच आई कैन राइट लाइक माइनस ए बाय एन रेस टू पार बी बाय एन, बी जहां पॉजिटिव हो गया, बी ग्रेटर देन जीरो हो गया,
अब मैं अगर इसमें पुट करता हूँ लिमिट में, तो क्या हो जाएगा, n रेज़ टू पावर इन्फिनिटी माइनस वन रेज़ टू पावर n बी एन अपॉन एन फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट केस वन, जहां पर एक ही जगह b रिपीट हो गया, तो ये लिमिट भी क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जीरो फॉर ऑल केसेस। दो ये देख के ही वैसे जिनको समझ में आ रहा है कि भाई a raise to power n will be smaller than n factorial, then it is fine, but otherwise अगर समझ में नहीं आया तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पैकेज का है, या इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, यू जस्ट चेंज इट। जो ये सारे cosec square x लिखे हैं दीज आर इन पावर्स, और ये sin square x भी जो है ये यहाँ भी पावर में है। ओके, ये पैकेज में चेंज कर लेना है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू बी कंफर्टेबल वाइल डूइंग द क्वेश्चन। मेरे को अभी यहाँ कंफर्ट लेवल कम लग रहा है कि यार cos x स्क्वायर आ गया, वहाँ sin स्क्वायर आ गया, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर x को पुट कर देता हूँ। यार ये बड़ी बड़ी गंदी गंदी चीजें हटाओ, मेरे को नहीं समझ में आ रही है, मैं तो y और x में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी उससे ज्यादा मैं कंफर्ट जोन से बाहर हो जाता हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है यार उसमें पुट कर लेते हैं। ये करा तो लिमिट देखो, मैंने सब्स्टिट्यूट करता कि भी बताया था लिमिट चेंज होएगी, ये क्या हो गया cos x square x, नहीं समझ में आ रहा तो उसको कैसे कैसे समझेंगे, 1 by sin square x, जितना छोटा कर सकते हो क्वेश्चन को, जितना ज्यादा तुम कंफर्ट जोन में जा सकते हो उसमें जाने की कोशिश करो। तो ये क्या हो जाएगा cos square x का क्या हो जाएगा 1 by sin square x, as x approaches 0 sin x approaches 0, तो 1 by sin x कहां अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी, दैट मींस y अप्रोचेस इन्फिनिटी as x अप्रोचेस 0। तो अब नई लिमिट क्या बनेगी मेरी, लिमिट y अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 रेस टू पावर y, 2 रेस टू पावर y, 3 रेस टू पावर y, अप टिल n रेस टू पावर y एंड 1 बाय y हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर x को मैं कैसे लिख सकता था, 1 बाय cos x स्क्वायर x, तो 1 बाय y हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप, ये पहले बताओ ये कौन सी फॉर्म हुई, 1 ये सारी इन्फिनिटी चल रहा है और ये 1 बाय इन्फिनिटी का हो जाता है 0, तो ये इन्फिनिटी रेस टू पावर 0 वाली फॉर्म हो गई। ठीक है ना, बट मैं इसको ठीक कैसे करूंगा, देखो मैं यहां से n रेस टू पावर वाई कॉमन ले लेता हूं, क्यों लिया, मेरे को पता है n रेस टू पावर वाई कॉमन लूंगा 1 बाय वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 बाय वाई, और अभी एक और रीजन है उसको कॉमन क्यों लूंगा, वो क्वेश्चन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, और वो एज अ स्टैंडर्ड सेट कर लो उसको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कॉमन निकालना है। क्यों, देखो n रेस टू पावर वाई कॉमन लूंगा तो क्या होगा, अंदर 1 बाय n रेस टू पावर वाई प्लस ये क्या हो जाएगा 2 बाय n रेस टू पावर वाई, ऐसे कर करके कहां चला जाऊंगा, n माइनस 1 बाय n रेस टू पावर वाई प्लस 1 रेस टू पावर 1 बाय वाई। ये 1 कौन सा होगा जो मैंने n रेस टू पावर वाई लिया है कॉमन। अब ये देखो ये तो कॉमन आ गया, ये n आ गया, y से y कैंसिल हो गया, लिमिट क्या बची y रेस टू पावर इन्फिनिटी, अंदर क्या होगा n इंटीजर था तो 1 बाय n क्या होगा डेसिमल वैल्यू, और एक डेसिमल वैल्यू के ऊपर आपने इन्फिनिटी की पावर चढ़ा दी तो वो तो और भी ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये मेरे को जीरो रिटर्न करेंगी, n माइनस 1 बाय n भी, जबकि ये बहुत स्मॉल टर्म है पर ये फिर भी रिटर्न करेगी जीरो, बचेगा क्या सिर्फ 1 रेस टू पावर 1 बाय वाई। अब 1 बाय वाई देखो 1 बाय वाई क्या है अप्रोचिंग जीरो, वाई बिकॉज वाई इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो 1 बाय अप्रोचिंग जीरो दैट मीन्स इक्वल टू 1, और यहाँ बाहर क्या था n, तो आंसर क्या हो जाएगा n इंटू 1 विच इज इक्वल टू n। ठीक है ना, सो इस लिमिट को दो, दिस वॉज यू कैन से टफ भी है आसान भी है क्वेश्चन, क्वेश्चन को आसान बनाना आना चाहिए, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो इस क्वेश्चन को डील करते वक्त तो उसे रिड्यूस करो। मैथ्स में हर जगह यही होता है फिलॉसफी की, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है रिड्यूस इट इनटू अ स्मॉलर क्वेश्चन, तो मेरे को ये कंफर्टेबल नहीं था पुट कर कर गए, मैंने इसको क्वेश्चन को आसान कर दिया, और जो ये वाला स्टेप है इसको हल्का सा मतलब यू कैन से याद से ही रखो, क्यों, क्योंकि अगर आप n बड़ी वैल्यू बाहर ले लेते हो डिनोमिनेटर में आ जाती है बड़ी वैल्यू तो वो एकदम से जीरो हो जाएगी, यहाँ पर सारी जीरो हो रही है ना देखो 1 बाय n, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो, और उसके ऊपर पावर भी है तो देन इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग जीरो, तो ये वाली भी चीज याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन में आ गया ये काम आएगी। नाउ लेट अस सॉल्व सेवंथ एग्जांपल ऑफ योर पैकेज।
देर इज अ करेक्शन ओवर देयर, जो x रेस टू x अप्रोचिंग इन्फिनिटी लिखा है उसको आप m अप्रोचिंग इन्फिनिटी कर लेना, बिकॉज अदरवाइज सेंस नहीं बनेगी क्वेश्चन की. ठीक है, देखो अब ये मैं कहूँगा इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन, इनफैक्ट इट विल बी अ क्वेश्चन ऑन द टफर साइड. तो इसमें जो कि काफ़ी ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, कैसे सॉल्व करना है इसे, आओ देखते हैं. एन सी एक्स दिख रहा है तो इसका तो मुझे एक्सपेंड ही करना पड़ेगा इसका फॉर्मूला यूज़ करके. तो क्या करूँगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल. ठीक है, इसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, इसको एज इट इज पड़े रहने देता हूँ. एम बल्कि इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, एम रेस टू पावर एक्स. ठीक है देखो, और एन रेस टू पावर एक्स क्यों करा ऐसा भाई, एक्स का तो कोई फंडा है ही नहीं है, एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं इसको बाहर ही ले आऊंगा लिमिट के. और इस वाली को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, वन माइनस एम रेस टू पावर एन अपॉन वन माइनस एम रेस टू पावर एन बाई एक्स. माइनस एक्स था तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया. अब देखो इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो मैं बाहर ला रहा हूँ, एक ये वाली टर्म, सब कोई लेन देन नहीं है लिमिट में, और इसका भी, तो ये बाहर आ गई एम रेस टू पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल. ठीक है, अंदर क्या बचा, लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एक्स फैक्टोरियल. अब अगर मैं एन माइनस एक्स फैक्टोरियल से ऊपर तक कैंसिल करूंगा तो ऊपर कहाँ तक टर्म जाएगी, इसके जस्ट कौन सी, पहली वाली टर्म. तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टिल कहाँ तक, एन माइनस एक्स प्लस वन तक जाएगी, इंटू एन. ठीक है, और नीचे क्या था, एन रेस टू पावर एक्स, मतलब एन इंटू ही क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं एन इंटू एन ऐसे ऐसे करके एक्स टाइम्स. ठीक है ना, तो ये एक्स टाइम्स हो जाएगा. ठीक है ना, सॉरी ये आएगा यहां माइनस वन. ठीक है, इंटू जब ये जो वाली टर्म्स थी, देखो अभी मैं इसको अलग से सेपरेट सॉल्व करता हूँ, इसको पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ. ये हो गया एम रेस टू पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल तो बाहर. अब मैं एक एक एन अंदर ले आता हूँ. ठीक है, पहले वाला एन तो एन काट ही सकता हूँ. ठीक है, सॉरी ये जो था नीचे ये काट दिया इससे मैंने. अंदर क्या बचेगा, लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी. ये ऊपर वाली भी कितनी टर्म्स थी टोटल, ये भी x टर्म्स थी, क्योंकि आपने क्या करा था, n और n माइनस x तक करा था, तो n से लेकर x तक आए थे n माइनस x तक, तो ये 0 से लेकर x माइनस 1 तक टर्म्स आई थी, तो कितनी हो गई, x टर्म्स हो गई. तो अगर मैं इसको अब हर ब्रैकेट के अंदर लिखता जाऊं, n माइनस 1 बाय n इंटू n माइनस 2 बाय 2, ये वही फंडा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, तो ये क्या बनता जाएगा. अब मैं डिवाइड हटा के 1 माइनस 1 बाय n, ऐसे ये 1 अगर हटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई एन. ऐसे सिमिलरली करते करते कहाँ पहुँच जाऊँगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय एन. सिंस एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये 1 हो जाएंगी, तो ये सारी टर्म्स तो 1 हो गई. ठीक है, अब मेरी रिमेनिंग टर्म क्या बची, ये मैं सारा हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब ये वाला पार्ट रह गया मेरा. ठीक है, देखो ये वाला पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये कैसे होगा, ये तो एम रेस टू पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल नीचे आ गया. अब ये देखो यहाँ पर पावर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले नीचे वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ, लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी, न्यूमरेटर को भी नहीं छेड़ रहा मैं, और नीचे वाला लिखता हूँ 1 माइनस एम बाय एन रेस टू पावर एक्स. अब देखो एन एज अप्रोचेज 0 तो ये सॉरी एन एज अप्रोचेज इन्फिनिटी तो एम बाई एन क्या होगा, इट अप्रोचेज 0, 1 माइनस 0 0 और 1 रेस टू पावर एक्स क्या हो जाएगा 1. ठीक है, तो ये टर्म भी क्या हो गई मेरी 1 हो गई, तो ये भी हट गई, डिनोमिनेटर भी हट गया मतलब अब मेरा. सो रिमेनिंग क्या रह गया, 1 माइनस एम बाई एन रेस टू पावर एन. ये वही तो क्वांटिटी हो गई जिसमें हम ये वाला फंक्शन करते थे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 1 प्लस एक्स बाय 1 बाय एक्स, और अगर यहाँ k लगा देते थे तो क्या आता था, e रेस टू पावर k. ठीक है, तो ये वही वाली तो टर्म बन गई हमारी. यहाँ क्या हो जाएगा, एज 1 बाय एन एज एन अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 बाय एन अप्रोचेज 0 और उसका ये रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, बस सिंपली
एम रेस टू पावर के ओ सॉरी एक्स इंटू एक्स फैक्टो डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल इंटू ई रेस टू पावर माइनस एम. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है ना. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमने करा अभी. काफ़ी दो तीन ट्रिक्स इन्वॉल्व थी इसमें, बट स्टिल इट इज मैनेजेबल. अगर आप ढंग से करो, अगर बेसिक से चलो तो भी ये सॉल्व करा जा सकता है. ठीक है. ओके. सो आई विल नॉट बी राइटिंग द नाइन्थ क्वेश्चन, बट जो उसका मेन स्टेप है जिसमें आपको एफ एक्स की, देखो मैं बता रहा हूँ, लेट अस डिस्कस. चलो ठीक है. तो जो उसमें आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है और एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एफ एक्स की इक्वेशन जब भी हम फाइंड कर सकते हैं जब एक हमारी प्रॉपर लिमिट बन रही हो. अगर राइट हैंड डायरेक्शन में जैसे इस क्वेश्चन में आता है ई क्यूब, तो कब पॉसिबल हो सकता है ई क्यूब, या तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में कैसी टर्म बन रही हो, 1 + 3x रेस टू पावर 1/x, अगर ऐसा होगा तो आंसर क्या होगा, ई क्यूब. यही हम फाइंड करेंगे LHS में, कंपेयर करेंगे उसे और आंसर निकाल देंगे. जनरली इन टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जो नेक्स्ट है आपका 10th, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है. ठीक है. जिसमें आपको लिमिट फाइंड दे रखी है और उसकी आपको वैल्यू निकालनी है. ये मैं आपको वैसा करा चुका हूँ ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th, विच इज लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी log ऑफ दिस बाय दिस. अब देखो पहला स्टेप तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन का, कि भाई आपने क्या करा है, इसको अलग अलग कर दिया. इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो x ये हो जाएगा log x रेस टू पावर n की जगह मैं इसको n को बाहर भी ले आता हूँ, x रेस टू पावर n को, और ये माइनस वन. यहाँ तो मेरे को लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो और ये आ जाएगा n लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी log x बाय x. अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये तो हमें सबको दिख रहा है कि ये x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी अप्रोच करता है, ये भी इन्फिनिटी अप्रोच करता है. तो बेसिकली दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. ठीक है ना. तो हम इसको डेरिवेट कर सकते हैं. डेरिवेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 1 बाय एक्स आ जाएगा और नीचे का क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और आंसर आ जाएगा माइनस 1. बट जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका बेसिक क्या है, कि ये हुआ कैसे कि इसको हमने x मान के ही डेरिवेट कर दिया. तो वो देखते हैं कैसे करा. देखो log ऑफ x ये था will be greater than ये मैंने ठीक लिखा, क्योंकि x जो है greater than equal to कर देता हूं. ठीक है. greater than equal to होगा और less than log x by x plus 1. ये छोटी टर्म से डिवाइड करा तो ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. देखो अब ये तो पार्ट सॉल्व हो गया. परेशानी किसमें, इसी में n लिमिट n x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी log x बाय मॉड x. देखो ये क्या बन रही है, वैसे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, बिकॉज ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी और log x एट इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है. तो डेरिवेट कर लेते हैं, तो 1 बाय एक्स, और अगर हम इसको x मान के डेरिवेट कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो a 1 आ जाता है, 1 बाय एक्स अप्रोचेस 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1. ओके. तो माइनस 1 आंसर जो आना चाहिए. दो पर ये इसको हमने मान के सॉल्व कैसे कर लिया वो देखते हैं कैसे. अब देखो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस देन x. अब मैं अगर इसका अपोजिट लिखता हूँ डिनोमिनेटर में x माइनस 1, सारे साइन चेंज हो जाएंगे. और अब इसको लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लॉग एक्स बाय मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, और लॉग एक्स बाय एक्स. ठीक है. अब ये बना. अब मैं अगर इसमें लिमिट लगा देता हूँ हर जगह लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो देखो क्या होगा, ये वाली क्या है, अगेन दिस विल बी इन्फिनिटी. अगर मैं इसमें अगेन वो लगाता हूँ अपना एल हॉस्पिटल रूल, तो ये क्या होगा, 1 बाई एक्स इंटू 1, दिस इज अगेन ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0. इसको भी एज इट इज पड़े रहने दो, ये इक्वल टू हो सकता है,
तो अब ये अगेन log x by x बन गया, log x by x को अगर दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ क्या मिलेगा, 1 by x ही मिलेगा, which is again approaching to 0, x से छोटी वैल्यू, x minus 1 के लिए भी 0 है, x के लिए भी 0 है, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई इसका मतलब, क्योंकि देखो ना, x की एक छोटी वैल्यू के लिए, x minus 1 के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया कि 0 आ रहा है, और उसके अगली वैल्यू x के लिए भी 0 आ रहा है, तो जो मिडल वाली वैल्यू थी वो भी 0 के बराबर ही होगी, ठीक है। सो ये था आपका 11th क्वेश्चन। ओके, बिफोर गोइंग ऑन टू दिस क्वेश्चन व्हिच आई हैव रिटन, दैट इज 16th, मैं एक बार 14 डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें आपको निकालना है वेदर यू हैव टू फाइंड दैट लिमिट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय x। देखो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना खुद, मैं अब नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करा चुका हूं ऐसा, बट जनरली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आता है उसमें जनरल केसेस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को उस जैसे आप मान लो x माइनस a ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो अगर आप a से नीचे वाली वैल्यूज के लिए अप्रोच करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब एक छोटी वैल्यू मिलेगी, और अगर उससे दूसरी वाली तरफ से अप्रोच करोगे प्लस वाली साइड से, तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी जनरली, ठीक है ना। तो इसलिए दे आर जनरली नेवर, दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ रिजल्ट, दे आर ऑलवेज ऑफ द काइंड दैट उनकी लिमिट जो है अनडिफाइंड हो जाती है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 16। ये थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ ये शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊं, बट इसको आप अगर एक बार कर लोगे ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ठीक है। देखो मैं जस्टिफिकेशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये दिया हुआ था कि f of x plus y is equal to fx plus fy, और साथ में दिया था कि इट इज कंटिन्यूअस एट a, दैट मींस लिमिट a fx is equal to fa, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, मतलब अगर मैं कोई c की वैल्यू लेता हूं लिमिट x अप्रोचिंग c, सो fx शुड बी इक्वल टू fc। अब मुझे ये प्रूव करना है इसमें, तो मेरी जो ये इक्वेशन थी देखो, इसमें मैं क्या करूं, मुझे c के लिए प्रूव करना है, अगर मैं x को पुट करता हूं x इज इक्वल टू c प्लस h माइनस a, ठीक है, ये मेरा एफ एक्स मैंने यहां पुट कर दिया, तो x अप्रोचिंग c था, तो अगर नई लिमिट मैंने h के हिसाब से निकालनी है। अब मैंने ये क्यों करा, ये मैं अभी आगे समझाता हूं, ठीक है। ये वाला स्टेप क्यों लिखा है, एज x अप्रोचेस c मेरा h क्या अप्रोच करना शुरू कर देगा a, बिकॉज एज x अप्रोचेस c ये जीरो टर्म बन जाएगी x माइनस c, सो x विल स्टार्ट अप्रोचिंग a, तो मेरी ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, जैसे मैं लिख देता हूं पूरी एक बार, मेरी इनिशियली क्या थी, f ऑफ c प्लस h माइनस a, ठीक है। इसको मैं क्या कर दिया, मैंने सॉरी fx थी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, चेंज इसमें चेंज कर दिया। देखो अब h पे वेरी है, c और a तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं सुबह से लिखता हूँ लिमिट h अप्रोचिंग a f ऑफ c माइनस a, c माइनस a को क्लब कर दिया और h को अलग कर दिया। अब यहां पर लगाता हूँ x प्लस y वाली प्रॉपर्टी, तो ये एक मान लो ये हाइपोथेटिकल x हो गया और ये हाइपोथेटिकल y हो गया, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट f ऑफ a f c माइनस a प्लस लिमिट h अप्रोचिंग टू a fh, ठीक है, ये हो गया। अब व्हेन h इज अप्रोचिंग a एंड fh है, तो यही वाली तो बात हो गई कि लिमिट x अप्रोचिंग a fx इज इक्वल टू fa, ठीक है। तो मैं ये वाली टर्म जो है मेरी fa बन गई, ठीक है, और जो ये वाला है मैं इसमें सब लिमिट हटा सकता हूं क्योंकि यहां कोई वेरिएबल नहीं है h का, तो लगाने की जरूरत है। और अगेन इसको इस तरीके से एक्सपैंड कर देता हूं, तो a y को मैं माइनस a मान लेता हूं और x को c मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा fc, ठीक है, ये हो जाएगा, बल्कि उल्टा कर दिया मैंने, इसका करने का फायदा नहीं है, क्योंकि देखो ये जो मैंने स्टेप लिखा इसका भी देखो अब फायदा क्यों नहीं है, माइनस से आ जाएगा, मुझे नहीं पता ये फंक्शन कैसा इवन है ऑड है कि मैं इसको काट सकूं, ऑड होना चाहिए था काटने के लिए, तो ये हटा देता हूं,
बट एफ सी माइनस ए को एज इट इज लगा रहने देता हूं, ये क्या आ गई मेरी एफ ए। अब की बार आर एच एस देखो, आर एच एस क्या हुई एफ एक्स प्लस वाई ए, ये मेरा पूरा क्या हो गया अंदर वाला अब एक्स और ये हो गया वाई विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास ए कैंसिल हो जाएगा, एफ सी आ जाएगा जो मुझे चाहिए था, जो मुझे ये प्रूव करना था वही आ गया। अब देखो अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैंने ये वाली टर्म क्यों ऐसे लिखी, थोड़ा टफ है ये अभी भी समझना बट थोड़ा क्लियर होगा। देखो सी प्लस एच माइनस ए लिखा जिससे मेरे को सी माइनस ए मिल जाए, एच अलग हो जाए, सी माइनस ए अलग पड़ा रहेगा, एच मैंने ए की टर्म में निकाल लिया और ए दोबारा माइनस कर दूंगा इससे। सो लिटिल कन्फ्यूजिंग बट ये यार सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल से इसका यही है, और भी बहुत तरीके हैं इसको करने के जिसमें आप पुट करके कर सकते हो बट इन दिस इज वन ऑफ द वेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी टेक इज एग्जांपल 17। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा बट आई विल जस्ट शो यू द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये एफ एक्स दे रखा था ठीक है, और आपको फॉफ की वैल्यू बतानी थी कि ये कंटिन्यूस कहाँ कहाँ होगा या डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने थे। देखो जब मैंने कंटिन्यूस फंक्शन में आपको ये बताया था कि अगर ये सी है, ये मेरा एफ है कोई फंक्शन और ये मेरा जी है, तो मैं क्या करता था यहाँ से यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करता था कंटिन्यूस एट एफ, एफ ऑफ एफ, अगर मैं इस पर ही एफ लगा देता हूँ तो मतलब ये हो गया मेरा ये, तो एफ ऑफ एफ क्या हो जाएगा ये वाला फंक्शन वुड बी कंटिन्यूस एट सी व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट सी एंड एफ ऑफ एफ जो आया मेरी वैल्यू इट इज कंटिन्यूस एट एफ सी, ठीक है ना। तो इसमें यही याद रखने वाली बात है, देखो इस वाले फंक्शन में पहले ये यहां पर क्या कंटिन्यूस हो सकता है, ये टू पे तो डिसकंटिन्यूस आ रहा है ठीक है, सो एक्स इज नॉट, यहां पर सी का पॉइंट हो गया इट इज नॉट डिसकंट, इट इज डिसकंटिन्यूस एट टू ठीक है। तो जिसकी जब भी आप आगे के एक फंक्शन के लेके आगे का फंक्शन निकालते हो तो जो उसकी पहली वाली डिसकंटिन्यूटी है वो हमेशा आगे कैरी ऑन होती है, इफ इट इज डिसकंटिन्यूस तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया टू पे, तो ठीक है ना। इस वाले को तो सारा हटा दो, फिर एफ ऑफ एफ एक्स निकालो, एफ ऑफ एक्स में देखो दो ही वैल्यूज आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, एक वन पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है और एक टू पे वैल्यू फंक्शन की चेंज हो रही है, इन दोनों पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो ठीक है ना। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल 19 ठीक है, इसमें भी मैं चलो ये मैं करके दिखाता हूँ। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। देखो मैंने बार बार रूल रिपीट करा है कि जिस भी क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल नहीं हो उसे पहले आप उसे कंफर्टेबल जोन में लाओ। मेरे को यहाँ एक्स रेज़ टू पावर इनफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इनफिनिटी इज नॉट कंफर्टेबल टू मी, तो मैं पहले क्या करूँगा इस लिमिट को एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँगा सारी जगह, जिससे मेरी लिमिट क्या बन जाए एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी ठीक है। अगर माइनस एक्स यहाँ रिप्लेस करा तो ये क्या रहेगा थ्री फोर ही रहेगा, ये टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वन अपन माइनस एक्स साइन एक्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस वन बाय एक्स। सिमिलरली मॉड एक्स जब एक्स नेगेटिव होता है क्या रिटर्न करता है माइनस, तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और मॉड का साइन हट जाएगा और प्लस फाइव। सिमिलरली अब नीचे मॉड हटाने के लिए माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो एक रीजन तो ये था कि मेरे को कंफर्टेबल भी होना था और दूसरा रीजन इसलिए था क्योंकि यहाँ मॉड दे रखा था, मैं क्वेश्चन को मॉड के थ्रू आगे सॉल्व नहीं कर सकता। कई लोग क्या गलती करते हैं ये देखो जीरो बाय जीरो फॉर्म भी बन रही है तो इसमें लोग क्या करते हैं सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगाना शुरू कर देते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना ये वाली, तो इसमें लोग सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगाना शुरू कर देते हैं विच इज रॉन्ग। आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे यार, मॉड वाले फंक्शन को आप अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसे हटाना है पहले एंड देन यू विल डिफरेंशिएट ठीक है ना। तो उसको हटाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था कि अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स होगा, अगर इट इज अप्रोचिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव साइड तो मॉड का कोई फंक्शन का वैल्यू ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है मतलब यहाँ पर ठीक है। अब ये टर्म आ गई मेरे पास तो मैं इसका माइनस यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो मैंने क्या बताया था एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यार ये साइन 1 बाय एक्स है, अगर मुझे नीचे 1 बाय एक्स मिल जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं देखो इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले साइन ऑफ
जो जो मुझे देखो, मैं अभी भी क्वेश्चन में वही पार्ट पिक कर रहा हूँ जो मुझे सबसे पहले गंदा लग रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। वन बाई एक्स, ये वन बाई एक्स क्या था न्यूमरेटर में, तो अगर मैं इसमें से कॉमन लेता, देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर भी, ठीक है, बाय वन बाय एक्स, और यहाँ मेरा क्या था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मैं एक्स से इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, ठीक है, ये वाली टर्म। तो अब देखो लिमिट अगर मैं एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी लगाता हूँ तो वन बाय एक्स अगेन जीरो, तो ये वाली तो टर्म हट गई। अब मेरे पास देखो बचा क्या क्या, माइनस एक्स क्यूब माइनस ये नीचे बच गया, ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो गई अब, और इन्फिनिटी वाली तो हम पहले भी कर ही चुके हैं, इन्फिनिटी वाली हमने क्या करी है, बस अब तो ये देखो ना क्या हुआ, इसमें कोफिशिएंट्स कितना आया है, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट एक्स क्यूब है, नीचे भी एक्स क्यूब है, जस्ट कंपेयर दी कोफिशिएंट्स, आंसर आ गया आपका, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे 21, देखते हैं उसे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके सो नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 21। देखो 20 और 21 जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, ये प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनफैक्ट वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ठीक है ना। अगर ये आपको इसमें यार ट्रिक नहीं आ सकती पेपर के वक्त याद, तो अगर इसकी लिमिट्स की वैल्यू पता है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें फॉर्मूला यूज होता है टेन का, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस, ठीक है, ये एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ यार, मैं भी भूल जाता हूँ, ये तो ये हो गया टू कॉस कॉट टू थीटा, ठीक है ना, ये हो जाता है फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला पता है पर इसको अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, अगर मैं फॉर्मूला भी दे देता हूँ ना तो कई लोग क्या 90% लोग अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि कहाँ अप्लाई करूँ, यहाँ अप्लाई करूँ तो यार इससे तो कोई कुछ कटी वटी नहीं है, क्या फायदा क्या हुआ इसको देने का। देखो टेन थीटा को अगर मैं कॉट थीटा और माइनस टू कॉट थीटा पुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, पावर ये जो है डिग्री जो है इंक्रीज कर रही है, थीटा और फिर टू थीटा, और यही क्या हो रहा है यहाँ, पावर डिक्रीज हो रही है डिग्री, तो मुझे क्या करना है, लास्ट से शुरू करूंगा। देखो टेन थीटा बाय टू एन को डालता हूं तो क्या मिलेगा, कॉट माइनस टू टाइम्स थीटा टू रेस पर एन माइनस वन, ठीक है। इसके आगे वाली टर्म क्या थी, ये थी प्लस के साथ विद, और अभी एक मिनट रुको ये वाली हटाता हूँ, टेन थीटा की ये वैल्यू डालनी थी, टेन थीटा बाय टू एन की, और उसके आगे वन बाय टू एन भी था तो वन बाय टू एन और ये वन बाय टू एन, ठीक है, टू एन से ये कटा क्या हो गया, ये तो वन आ गया ऊपर टू एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो इसके आगे की क्या वैल्यू थी, इसके आगे की वैल्यू थी वन बाय टू एन माइनस वन, एक आगे का वैल्यू क्या होगा, एन माइनस वन होगा, टेन थीटा बाय टू रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस दिस। अब देखो मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को कंबाइन कर देता हूं तो यही वाली टर्म बन जाएगी, मतलब टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बन रहा है, विच इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ टू रेस पावर एन माइनस वन, नीचे लिख दिया, इन टू कॉट टू थीटा, एक और वैल्यू डिग्री कम हो गई, इंक्रीज हो गई मतलब, तो और ये वाली अलग से लिख दो, ये कटेगी नहीं कहीं भी, ये यूज नहीं होगी अब, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें एक और पावर कम कर देता हूं, अब टू से टू डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बाय, ठीक है। अब इसकी आगे की दूसरी, इसके आगे की डेट क्या होगी, वन बाय टू रेस पर एन माइनस टू टेन थीटा टू रेस पर एन माइनस टू। अब अगेन मैं इसको और इसको क्लब कर देता हूँ, इस वाली और इस वाली टर्म को, और फिर यही फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या मिल जाएगा, वन बाय टू पर आएगा तो टू एन माइनस वन कॉट थीटा बाय टू रेस पर एन माइनस वन प्लस ये वाली टर्म तो यहाँ आएगी आएगी। तो आप देख रहे हो ना, हर टर्म के साथ ये आगे वाली टर्म कंबाइन होके छोटी टर्म होती जा रही है, और इवेंचुअली क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा के साथ माइनस कॉट थीटा मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस टू कॉट थीटा।
तो आपकी फाइनल लिमिट क्या बन जाएगी? कॉट, जो कि हमारी सबसे पहले वाली टर्म थी, थीटा बाय 2n बाय 1 बाय 2n माइनस कॉट 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है। बस अब तो लिमिट सॉल्व हो गई, लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इसमें तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा? कॉट का होता है, उल्टा करके देख लो इसको, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी अप्रोच? देखो 1 बाय 2 रेस टू पावर n, कॉट को मैं लिखता हूँ 1 बाय 10 थीटा रेस टू पावर 2n, एज n अप्रोचेस 0, 2n अप्रोचेस इन्फिनिटी, थीटा बाय 2 रेस टू पावर n अप्रोचेस 0, तो ये मेरी 10x बाय x वेयर x अप्रोचेस 0 वाली फॉर्म बन गई। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर थीटा नीचे थीटा, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, थीटा बाय 2 रेस टू पावर n, डिवाइड भी करना पड़ेगा थीटा से, ये वाली लिमिट क्या दे देगी आंसर 1, यहाँ से क्या बचा 1 बाय थीटा, और यहाँ का क्या बचा था माइनस 2 कॉट 2 थीटा, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें एग्जांपल 20 में भी सॉल्व करते करते ऐसे ही आंसर आएगा। सो ये था लिमिट्स, ठीक है, काफ़ी हमने एक्सटेंसिव लिमिट्स कराए, बहुत डिटेल में करा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करें, सो आई होप नाउ द लिमिट पार्ट इज क्लियर टू यू। कंटिन्यूटी वाला पार्ट हमें थोड़ा कंपैरेटिवली कम क्यों करा है, क्योंकि कंटिन्यूटी वाला पार्ट लिमिट के साथ ना थोड़ा कम बनता है, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी वाला करेंगे वहां पर भी कंटिन्यूटी दोबारा करा जाएगा कि फाइंड द कंटिन्यूटी एंड देन प्रूव दैट इट इज डिफरेंशिएबल इन द डोमेन और नॉट, तो वहां पर भी क्वेश्चन आएंगे कंटिन्यूटी के। बट ठीक है, ये लिमिट्स का सारा पार्ट कवर हुआ है, इसको ढंग से करना बहुत, क्योंकि लिमिट्स क्या है, हो सकता है आईआईटी में क्वेश्चन कम आए, पर दूसरी जगह जो रीजनल कॉलेजेस होते हैं वहां पर लिमिट्स के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट बोर्ड में भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है लिमिट का, और लिमिट इज ऑलवेज स्कोरिंग, अगर आपने ढंग से लिमिट करा है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा पेपर में, तो इसलिए इट्स अ वेरी स्कोरिंग पार्ट। इवन आईआईटी में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका लिमिट का तो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लिमिट का गलत कर रहे हो देन यू हैव लॉस्ट द स्कोरिंग ऑप्शन, जो शायद जो जिसकी रैंक आई होगी उसने पक्का वो ठीक करा होगा, तो इसलिए लिमिट को ढंग से करना, जल्दी सॉल्व होता है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द मैथ्स ऑल्सो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।